संजय सिंह। धन्यवाद माननीय, आपने मुझे प्रेसिडेंट एड्रेस पे अपनी बात कहने का मौका दिया। माननीय, मैं महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण पढ़ रहा था और उसमें दूसरे पॉइंट पे लिखा है, यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दशक में हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे। इस दशक में हम सभी को मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए भारत के निर्माण को गति देनी है। You have 8 minutes. नए भारत के निर्माण को गति देनी है माननीय, ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा कहा जा रहा है। और महामहिम राष्ट्रपति जी जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सरकार का लिखा हुआ भाषण रहता है जो महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा पढ़ाया जाता है। मेरा ये सवाल है, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा पर्व होता है चुनाव, लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा अंग होता है चुनाव, और देश की राजधानी दिल्ली में आप किस प्रकार के नए भारत के निर्माण को गति दे रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। दिल्ली का चुनाव हो रहा है माननीय, और उस चुनाव में सत्ताधारी पार्टी जो अपने आप को दावा करती है कि वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के अंदर संस्कार नाम की, भाषा की मर्यादा नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता आतंकवादी कह रहे हैं और माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वो आतंकवादी कह रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं माननीय, क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? क्या गुनाह है? आईआईटी से पढ़ाई करके, कमिश्नर की नौकरी छोड़ के, जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 दिन का अनशन किया वो आतंकवादी है क्या माननीय? जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के तौर पे दिल्ली के अंदर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे अस्पताल बनाए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराई, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि घोषित करने वाला आतंकवादी है क्या? इस सरकार को बताना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गिरफ्तार करके उनको जेल में डालिए, वरना ऐसी बातें करना बंद कीजिए। दुख होता है लोगों को, दुख होता है अरविंद केजरीवाल के बच्चों को, दुख होता है उनकी मां को, उनके परिवार को। आप किस प्रकार का वातावरण देश में बना रहे हैं? एक यहां पे ढोंगी बाबा कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये आप बोलेंगे एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में? अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के तार पाकिस्तान से जुड़े हैं तो ढोंगी बाबा को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो, कहां के तार जुड़े हैं, कैसी जानकारी उसके पास है, यह पूछना चाहिए। आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ रहे हैं, देश की राजधानी को आप बर्बादी के कगार पे पहुंचा रहे हैं। जब से आपकी सरकार आई है इसी दिल्ली में 24 घंटे में 9 हत्या हुई, वकीलों पे गोलियां चली, छात्रों पे लाठियां चली, एक नेत्रहीन छात्र को जूते से पीटा गया, अभी खुलेआम 3 दिन लगातार गोली की फायरिंग हो रही है। आपसे किसी मुद्दे पर बात नहीं होती। अरे चुनाव हो रहा है तो बात करिए बिजली की, 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे, केजरीवाल ने देके दिखाया है। बात कीजिए पानी की, बात कीजिए चिकित्सा की, बात कीजिए शिक्षा की, आपसे कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री कैसे होगी, आप कहते हैं शाहीनबाग। आपसे पूछिए पानी 20,000 लीटर फ्री कैसे देंगे, आप कहते हैं शाहीनबाग। आपसे पूछते हैं महिलाओं को बस की यात्रा फ्री कैसे दोगे, आप कहते हैं शाहीनबाग। अरे शाहीनबाग करते करते दिल्ली की जनता भाजपा वालों से कह रही है चल भाग। ये हालत इनकी हो गई है। मुद्दों पे बात नहीं करेंगे माननीय, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास दिल्ली के लिए कोई कार्यक्रम है, ना इनके पास कोई नेता है। तो नेता विहीन और मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आज माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है। माननीय, मैं आपके माध्यम से
इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आप दिल्ली का चुनाव क्या मंशा है आपकी? आप तो हार रहे हैं। आपके एक नेता ने कहा, आप लोग दिल्ली के चुनाव में कह रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बताइए, लोकतंत्र में दो पार्टियां चुनाव लड़ रही, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा? ऐसी भाषा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? देश के चुनाव को आप हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रहे हैं। अपने ही देश में अपनी ही पार्टी, अपने ही देश की राजनीतिक पार्टियों को आप पाकिस्तान कहकर संबोधित कर रहे हैं। मैं आज इस सदन में कह रहा हूं, 11 तारीख को परिणाम आएगा तो हिंदुस्तान तो जीतेगा, लेकिन क्या जो लोग हारेंगे वो अपने आप को पाकिस्तान मानने को तैयार है क्या? अपने आप को पाकिस्तान मानेंगे क्या? मैं माननीय, आज इस सरकार ने बड़े बड़े दावे किए हैं, हालत क्या बना दी देश की? अगर आप देश की आर्थिक मंदी की बात करें, अभी बजट आया, नया बजट, और बजट आने के बाद यह सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही थी इस नए बजट में। जिस दिन बजट आया, बजट आने के दूसरे दिन 4,00,000 करोड़ रुपए निवेशकों का शेयर बाजार में डूब गया। यह है आपके बजट की हकीकत, यह है आपके बजट की हकीकत, यह आपकी बजट की हकीकत। देश की GDP 4.5% पहुंच गई, देश में बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई, काला धन लाने की बात आपने कही थी, 15,00,000 देने की बात आपने कही थी, आपने देश की जनता को गुमराह किया, आपने देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। न काला धन आया, न 15,00,000 मिला। महंगाई का आलम यह है, 32,000 टन प्याज सड़ गई, किसी को पता नहीं चला, कह रहे 32,000 टन प्याज सड़ गई। अरे वो प्याज सड़ी नहीं है, आप लोगों ने प्याज का घोटाला किया है, घोटाला, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। 200 रुपए किलो प्याज बिकी, 120 रुपए किलो टमाटर बिका आपके राज में, 4 रुपए लीटर दूध महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, देश में महंगाई आसमान पे जा रही है। आपको उसकी चिंता नहीं है, आपको दिन रात खाली देश को नफरत में झोंकना है, नफरत की आग जलाना है देश के अंदर, देश का माहौल बिगाड़ना है। आपको देश के मुद्दों पे बात नहीं करनी। आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? कह रहे हैं हम सरकार को फायदे में लाने के लिए अपने सारे सरकारी विभाग जो फायदे में चल रहे हैं उसको बेचेंगे। वाह भाई, रेल बेच देंगे आप, सेल बेच देंगे आप, कोल बेच देंगे आप, एयर इंडिया बेच देंगे आप, BPCL बेच देंगे आप, और LIC मान्यवर, जिसका नारा क्या है IDBI, उसको बेच देंगे आप, और जिसका नारा क्या है LIC का मान्यवर, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। देश के उपभोक्ता, वो लाखों उपभोक्ता बड़ी उम्मीद से LIC में पैसा लगाते थे, लेकिन आज उनको भारतीय जनता पार्टी की असलियत पता चल गई। ना आप जिंदगी के साथ हो, ना जिंदगी के बाद हो, आपने अपना चेहरा देश के सामने बेनकाब करने का काम किया है। और आप देशभक्ति की बात करते हैं, देश गांधी के विचारों की भी चर्चा हुई है मान्यवर, वो कह के खत्म करूंगा। आप देशभक्ति की बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, जवान की बात करते हैं आप। आज CAG की ऑडिट में जो रिपोर्ट आई है, पूरी सरकार को चुल्लू भर पानी लेके नाक रगड़ लेना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सियाचिन के अंदर जहां -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे जवान देश की सीमा की रक्षा करते हैं, उनको आप वर्दी नहीं दे पाते, उनको आप जूते नहीं दे पाते, उनके जिंदगी के लिए जरूरत की जो चीजें हैं वो आप उपलब्ध नहीं करा पाते, और आप यहां बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं जवानों की, गांधी के विचारों को आगे ले जाने की बात कहते हैं, 150वीं जयंती की बात करते हैं आप बात करते हैं। आपकी एक नेता ने, एक सांसद ने दूसरे सदन में गोडसे को देशभक्त कहा। गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने वाले लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। गांधी के हत्यारे को देशभक्त कहने वाले लोग इस देश के अंदर अहिंसा की विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते मान्यवर। और मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, एक इनकी ही नेता ने कहा 26/11 के शहीद हेमंत करकरे, उनको देशद्रोही कहा गया मान्यवर। अभी एक अनंत हेगड़े जो इनके सांसद हैं, उनका बयान आया, वो कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम ड्रामा था। अरे आपको स्वतंत्रता संग्राम ड्रामा लगता है? आजादी का आंदोलन जिन लोगों को ड्रामा लगता है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली का माहौल खराब मत कीजिए। कानून मंत्री जी ने कहा है,
वो शाहीनबाग के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, आज आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। 50 दिन से आंदोलन चल रहा है, इन्हीं मुस्लिम महिलाओं के लिए आप लोग भुकार छोड़ के रो रहे थे। हमारे यहाँ अवधि और पूर्वांचली में कहा जाता है भुकार छोड़ के रो रहे थे। न्याय दिलाना है तीन तलाक पे, न्याय दिलाना है तीन तलाक पे। सबके रुमाल गीले हो गए थे भाजपाइयों के, कह रहे थे न्याय दिलाना है। आज वही महिलाएं न्याय के लिए अगर बैठी है, सीएए के लिए अगर बैठी है, तो आप जाइए बातचीत करने। आप क्यों नहीं जाते बातचीत करने? उनकी 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 कंबल चोरी करते हैं आप लोग, उनके कंबल चुराते हैं आप लोग। ये काम मत कीजिए, वार्ता कीजिए, संवाद कीजिए। लोकतंत्र संवाद से चलता है। और 2 करोड़ लोग दिल्ली के आने वाली 8 तारीख को बता देंगे कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, देशभक्त है और देश के लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत